Hello everyone, welcome to Biohedral class. Today let's know what is intracellular interaction and some types of intracellular interaction. आजिरो क्लास रे हमें इंट्राजेनिक इंट्रोडक्शंस रो विभिन्न टाइप्स ऊपर डिस्कशंस करबा। इंट्राजेनिक पूर्व वीडियो रे मु कहितली हम पूर्व वीडियो रे हमें इंट्राजेनिक इंट्रोडक्शंस ऊपर डिस्कस करथले। आज हमें डिस्कस करबा इंट्राजेनिक इंट्रोडक्शंस विषय रे। इंट्राजेनिक इंट्रा मींस विद इन जेनिक मींस जीन। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन विद इन द जीन। If interaction occur within the gene, this type of interaction is called intragenic interaction. जदि interaction गोटे जीन भितरे हुए ताले ताको intragenic interactions बोली कहुजाए। And this intragenic interaction is the deviation of Mendelism. This one is the deviation of Mendelism. What is Mendelism then? Mendelism. This is the law of Mendel. And who is Mendel? Mendel is considered as father of genetics. So, I'm Elsanima. Intragenic interactions is the deviation of Mendelism. What is Mendelism? This is the law of Mendel. Mendel jo law ba principle kahithile, that is known as Mendelism. And who is Mendel? Mendel is considered as the father of genetics. Sehi prathame thile je genetics ra idea deithile. Then what is genetics then? Genetics ko if we divide the terms of genetics, then we get gene plus kinetics. That means the kinetics meaning movement. The movement of gene is called genetics. This is the movement. जो थे मैं इटे को मने रखिबा गोटे टर्म अनुसार दैट इज जीन kinetics. Kinetics meaning movement. Gene movement is called genetics. So gene movement ऊपर मेंडल फर्स्ट आइडिया देथिले. What is gene movement? Gene movement is the gene movement. से कहते जीन मूवमेंट फ्रॉम वन जेनरेशन टू अदर। गोटे जेनरेशन बा फादर मदर जेनरेशन नेक्स्ट जेनरेशन को जीन मूवमेंट को कहुए जेनेटिक्स जीन मूवमेंट। मुझे जीन मीन्स क्यारेक्टर आम बापा माँ ठार आम पाखक आम ठार नेक्स्ट जेनेरेसन को यहपर भाव में मुव कर जाए तो से विषय से आईडिया दैट मीन जीन मूवमेंट हियर वी कैन से दैट इज हेरिडिटी। दिस इज हेरिडिटी। हेरिडिटी विषय में मेंडल फर्स्ट आईडिया से एक्चुअली जीन कौन जान नथिले से जीन को फैक्टर बेले नेमिंग करथिले। आफ्टर दैट विलियम बैटसन नेम दैट फैक्टर आज जीन। तापर विलियम बैटसन से फैक्टर टीर ना जीन बेले जानाइथिले किंतु प्रथम मेंडेल ताको फैक्टर बेले कहते से कहते देयर इज समथिंग किसी गोटे एमती अच्छे जे कि गोटे फादर मदर जेनेरेसन नेक्स्ट जेनेरेसन को मुव करुचे। एंड दैट समथिंग इज फैक्टर से कहते से जो समथिंग जो विषय से कहते ना से फैक्टर देते जोटा कि पर मुहूर्त विलियम बैटसन से फैक्टर टी को जीन बोली दर्शाई। ओके एथर आम जानले डेविएशन। तो इंट्राजेनिक इंट्रोडक्शन इज द डेविएशन ऑफ मेंडेलिज्म। मेंडेल जीवन जो प्रिंसिपल लॉ विषय मेंडेलिज्म मीन्स प्रिंसिपल बा लॉ से स्टेटमेंट देते ये हूँ तार डेविएशन मीनिंग व्यतिक्रम। से जहाँ कही सब किसी ताठू सब सेपरेट बा डिफरेन्ट आ ओके तो से विषय में डिस्कशन करें कौन डिफरेंट आसाला कौन डेविएशन थिला कौन एक्सेप्शनल केस थिला। एंड दिस इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन आल्सो कॉल्ड दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन आल्सो कॉल्ड द पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज। आपको पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी बोली कहुए मेंडेल पर यह सब डिस्कवर करा जोटा कि टिके व्यारी करूला मेंडेल स्टेटमेंट ठारु कौन व्यारी करूला से विषय में देखा कौन व्यारी करूला एंड कौन सब टाइप्स थिला इंट्राजेनिक इंट्रैक्शनस रो let's discuss and let's know what are the types. There are mostly four types. Number one is the incomplete dominance
in complete dominance. Number one, this is a one type of intergenic interaction. Number two is co-dominance. It's co-dominance. Number three, it's multiple alleles. Multiple alleles. And last one, lethal alleles. I mean, as a lecture, right? Each chapter को types gene interaction रो intragenic interaction and its active types ऊपर discuss करिबा मु देखिबा गोटे परे गोटे one after one बुझिबा what is incomplete dominance, what is co-dominance and what is multiple alleles and what is lethal alleles. First हमें बुझिबा what is incomplete dominance. These three at the deviation of Mendelism. ये तीन जनों को deviation Mendel कहिथिबा प्रिंसिपल लॉ डेफिनेशन बा व्यतिक्रम कुआ से जहा कहिथिले ये तथरु एकर ए तीन टा स्टेटमेंट टिके डिफर करूची कोन थिला मेंडेल कर स्टेटमेंट और कोन आस्थिला ए सबुर ए सब टाइप्स रो स्टेटमेंट से ऊपर डिस्कस करबा. फर्स्ट टाइम डिस्कस करिवा फर्स्ट टाइप दैट इज इनकंप्लीट डोमिनेंस. फर्स्ट टाइप दैट इज इनकंप्लीट डोमिनेंस. Before going to discuss about incomplete dominance, let's understand what is dominance, what is dominance, or what is complete dominance. What is complete dominance? When one allele of a gene, yes, got an example about a gene, no? This is A1 and A2. They are the two alleles of gene A. If one allele of a gene, गोटे allele gene में थी बाग गोटे allele, जदि तरह another allele को completely suppress करी दो ची, ताल तक वामे कहो बाग complete dominance. If one of the allele of a gene completely suppress the another allele, then we call it as the complete dominance. And this ये जो complete dominance रो statement किए दे थे Mendel दे थे. According to the Mendel, every gene has two alleles and one of the allele completely suppress the another allele. One allele completely suppress the another allele. The allele which suppress means जिस suppress करी दो जी, that allele is not dominant allele. And the allele which gets suppressed जे ही जाओ जी, तक कौन थे recessive allele. This is according to the Mendel अनुसार. Mendel को अनुसार है, जी suppress करो जी, that one dominant. जो सप्रेस से होचे दैट वन रिसेसिव एंड इट इज कंप्लीटली सप्रेस दैट मींस एर जो कैरेक्टर A1 रो जो कैरेक्टर सोची से कंप्लीटली कैरेक्टर टा शो करिवो आ एर जो कैरेक्टर्स टे होसे से कंप्लीटली मास्क बा सप्रेस हे जीवो से लुची जीवो किंतु आ कैरेक्टर टा शो होबो. दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डोमिनेंस. गोट एग्जांपल लबा जों से नेथिले मेंडेल नेथिले हाइट गोटे जीन उच्चतर तार दुइठे हम आलेले देखिबा कैपिटल टी फॉर द टॉलनेस एंड स्मॉल टी फॉर द ड्वार्फनेस शॉर्ट डेंगा एवं गेडा. ओके हियर द टॉल एलेली कंप्लीटली सेपरेट द ड्वार्फ एलेली. ड्वार्फ एलेली टू से कंप्लीटली सरफेस कर दिए एंड एक्सप्रेस करे टॉलनेस को एंड एक्सप्रेस टॉलनेस कैरेक्टर. टॉलनेस कैरेक्टर तो ड्वार्फ कैरेक्टर टी सप्रेस है एंड कंप्लीटली सप्रेस है जीवार को कंप्लीट डोमिनेंस पाजे किंतु हियर इट इज द नेम सजेस्ट इनकंप्लीट डोमिनेंस दैट मींस एथर निश्चित भाव रे द वन एलेली ऑफ जीन वन एलेली ऑफ ए जीन not completely suppress the other allele of the gene. Gotte gene je to intragenic means gotte gene bhitare hochi gotte gene bhitare thiba first allele ki gotte allele other gene ko jo complete suppress kar deuthila ei case re se complete suppress karu nahi jeta ki mendel koithile je gotte allele anya gotte allele ko completely suppress kar diye kintu eita tara deviation thila incomplete dominance case re. Incomplete means that means here one allele of a gene not completely suppress the other allele of the gene jiko complete suppress kari par nai means 50% suppress karu chi 50% kari paru nahi but in the complete dominance case here t 100% here 100% se do taku suppress kar do chi second gene ko but here only 50% suppress ho chi. If 50% suppress then it's incomplete dominance. If 100% completely suppress then this is कंप्लीट डोमिनेंस. ओके कंप्लीट डोमिनेंस विषय मेंडेल कहिथिले जोटा कि मेंडेल को परे एमती किसी के केस से एक्सपेरिमेंट कराइथिला एमती किसी प्लांट रे एक्सपेरिमेंट कराइथिला वो देखा जाइथिला जो वन ऑफ द एलेली ऑफ द जीन
not completely suppress the second allele of the gene. Second allele को completely suppress करि पारु नाही. And that type of dominance is called the incomplete dominance. Or the name भी हमें आउ दुई दे परबा, that is partial dominance. Partial means half, partial dominance. And also semi dominance. Semi dominance. Semi means also half. तीन टाक सेम मीनिंग हाफ सप्रेस वन जीन हाफ सप्रेस अदर जीन आर एग्जांपल्स रे से नहीं थे प्लांट एग्जांपल फर्स्ट हम देखा किए डिस्कवर करते दैट इज कार्ल कॉरेंस इन 1909 से इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कवर करते कार्ल कॉरेंस इन 1909 डिस्कवर इनकम्प्लीट डोमिनेंस से कहा पे एग्जांपल्स नहीं थे क्यों प्लांट को It is four o'clock plant. Four o'clock plant. Incomplete dominance example four o'clock plant. जहाँ botanical name बस scientific name हो जी Mirabilis jalapa. Mirabilis jalapa is the four o'clock plant. जुटे को ओडिया रे रंगोनी फूल बेली कहा जाए आउ कहीं को फोर ओ क्लॉक प्लांट बेली कहा जाए जनरली ए गछर फ्लावर टी एफ्टरनून मीन्स चारटा बेल को ही फुटी थाए से फोर ओ क्लॉक प्लांट बेली कहा जाए तो से मिराबिलिस प्लांट जला पर दुईट पेरेन्ट्स को लेकिन दुईट कलर नहीं कि फ्लावर कलर मैंने गोटे जिन थी जस्ट फ्लावर कलर तार दुईटा वेरायटी को लेकिन क्रस करते कौन सब रिजल्ट पाई आम देखा और कौन प्रूफ होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस से जाना से दुई प्लांट रो फ्लावर्स कलर रो नहीं थिले जीन थिला फ्लावर कलर जीन इज अ फ्लावर कलर जीन इज कैपिटल सी तो से नहीं थिले कैपिटल सी आर जैसे इस रेड कलर फ्लावर ताको क्रॉस कर थिले कैपिटल सी स्मॉल आर और डब्लू यू कैन से स्मॉल आर और डब्लू एंड कैपिटल सी डब्लू दिस इज व्हाइट फ्लावर इट इज व्हाइट फ्लावर प्लांट इट इज रेड फ्लावर प्लांट ये दुजन को से क्रॉस करथिले क्रॉस कला पर से एफ1 प्लांट पाइथिले कैपिटल सी आर एंड कैपिटल सी डब्ल्यू दिस इज रेड कलर दिस इज व्हाइट कलर किंतु को रिजल्ट मिलथिला एफ1 रो प्लांट टी पिंक कलर व्हिच एंड एटा जुटे के पूरा डिफर करथिला प्लांट पेरेंट वैरायटीज रो एटा थिले पेरेंट 1 रेड कलर एंड पेरेंट 2 दैट इज व्हाइट कलर तो ए वैरायटी टा पूरा डिफर करथिला पेरेंट्स को वैरायटी को कारण पेरेंट को वैरायटी रे रेड आ व्हाइट आसीबा बेले एफ1 प्लांट को पिंक कलर आसीला दिस इज ए इंटरमीडिएट कलर बिटवीन रेड एंड व्हाइट आ ऊपर एक्सपेरिमेंट कराला नेक्स्ट सी आर नेक्स्ट एफ1 प्लांट्स को सेल्फिंग मींस अगेन सेल्फिंग करा जायथिला विद सेम सी आर सी डब्ल्यू बोथ आर पिंक एंड पिंक देन देखा जाय थिला एफ2 जेनरेशंस कोन आउछला एफ2 जेनरेशन रे हमें कोनेट स्क्वायर कर चेक करबा कोन रहउची एफ2 जेनरेशन दिस इज कोनेट स्क्वायर कते निजबा ओटे सी आर सी डब्ल्यू सेम हियर सी आर एंड सी डब्ल्यू ओके हमें दुटा को कंबाइन करो क्रॉस करो पाइला में सी आर एंड सी आर एटा कंबाइन करो सी आर सी डब्ल्यू सी आर को सहित कंबाइन करबा सी आर सी डब्ल्यू एंड सी डब्ल्यू देन देखिबा रो फिनोटाइपिक फिनोटाइपिंग अपीयरेंस कोन रहूची ए सो प्लांट रो सी आर दिस इज द रेड कलर सी आर सी डब्ल्यू दिस इज पिंक कलर सी आर सी डब्ल्यू अगेन दिस वन पिंक कलर And CW CW, this is white color. So there are one red, two pink, and one white. So, what is the phenotypic ratio here? 1:2:1. Genotype ratio also same. One red genotype wise, and two same genotype, two pink and one white. So phenotype. So I'm going to write it very very badly. Phenotype. Phenotype equal to genotype equal to 1:2:1. 1:2:1. Okay.
एटा ही रिजल्ट हेतला ओके जत्तो बेले फोरो क्लब प्लांट रो दुईटी वैरायटीज दिता प्लांट फ्लावर कलर को टू डिफरेंट फ्लावर कलर को ने क्रॉस करा जायतला रेड फ्लावर सहित जतले व्हाइट फ्लावर को क्रॉस करा हला देखा गला जे F1 जेनरेशन ने पिंक कलर आसुची पुण अगेन F1 जेनरेशन ने पिंक को पिंक सहित जतले क्रॉस करा गला तापर हम देखा हला F2 जेनरेशन जो देखी गोटे रेड दीटा पिंक आ गोटे व्हाइट कलर आसुची जार रेशियो थले फिनोटाइप इक्वल टू जीनोटाइप 1:2:1 ओके बट इन केस तो कॉम्प्लीट डोमिनेंस केस कॉम्प्लीट डोमिनेंस टाइम रे मेंडेल को अनुसार फिनोटाइप रेशियो थला 3:1 बट हियर 1:2:1 इन कॉम्प्लीट डोमिनेंस केस रे आसला दैट मींस से सब समट इज द डेविएशन समट किस्ता एक्सेप्शन आसला जहा थिला सेटा हला नाही किस्ता डिफर कला सो इज द एक्सेप्शन ऑफ द मेंडेलिज्म मेंडेल जा कहिले सेथरो टिके डिफर करला ओके तले का एको हम एक्सप्लेन करबा हाउ पिंक कलर केमती आसला केमती पेरेंट रो वैरायटीज रो एटा डिफर कला F1 जेनरेशन रो वैरायटा तो सेटा में एक्सप्लेन करबा हाउ हियर रेड कलर दैट मींस 1 और 2 आर व्हेन 2 आर इज देयर तो CR जे तो डीटा 2 डीटा आर होचंदी दैट इज 2 आर रेड कलर सेटर होउची दैट मींस इट इज 100% 2 आर मींस हियर 100% रेड 100% दैट मींस व्हेन 1 आर कंटेन हाफ पिगमेंट ऑफ रेड हाफ पिगमेंट व्हेन 1 आर कंटेन हाफ पिगमेंट 1 आर दिस आर कंटेंस हाफ पिगमेंट दिस आर कंटेन हाफ पिगमेंट डीटा को मिसि गला 1 पिगमेंट मींस 100% पिगमेंट देन कलर आसला रेड कलर ओके कि जितले हम देखु छे व्हाइट कलर केस रे दैट इज WCW दैट मींस इज हियर नो पिगमेंट कोनो से पिगमेंट्स नाही दैट्स व्हाई व्हाइट मु पूर्व वीडियो रे कहितली जदी कोन से पिगमेंट रहइबोनी तले फ्लावर रो कलर व्हाइट आसीबो किंतु जदी से रेड कलर रो दीटा को आर रहउची दीटा का आलेली रहउची तले 100% आसुची दैट मींस रेड कलर आसुची यदि गोटी आर रहउची तले हाफ पिगमेंट आसुची जोटा के हम एक केस रे देखथिले जतले हम CR नेथिले कलर रो जी आर दीटा आलेली रहउची दैट्स व्हाई रेड कलर आसला ताको जतले हम क्रॉस क्रॉस कले सेम कलर रो जी हम W रखिबा कारण व्हाइट कलर पे हम F1 रे मिलिथिले CR एंड CW हियर this genotype contain 1 r that means half pigment that's why the color of this flower is pink okay jetu half pigment rakuchi tenu ek flower color ti pink aschi jodi dui ti ek r thanta nischit bhabre ei flower ro color ti red asthanta tenu eta intermediate heki aschi means red ro tik light color aschi that is pink जतो डीटा कार रहिछो सेटा लाइट सबर डीप कलर हिजो रेड आसिबो जे तो हाफ रहउची गोटे ही रहउची हाफ दैट्स व्हाई हाफ पिगमेंट रहउची सेति पे पिंक कलर आसुची तो एटा बिलीव करहौतला दिस कॉजेस ड्यू टू ब्लेंडिंग द कलर द ब्लेंडिंग ऑफ दिस टू कलर देखाउतले से मानकर बिलीव थिला जे एक्चुअल फ्लावर टी रेड कलर रहउची एटी जो फ्लावर टी व्हाइट कलर रहउची ए दुई जणा जको मिसि गला पर ब्लेंडिंग मींस मिसि जिबारु पिंक कलर टी आसुची दिस इज कॉल्ड ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस आगर बिलीव करथरा दिस वन इज अ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोथ ये पिंक कलर जेहेतु फादर किबा मदर कहारो कैरेक्टर रे नाही तो जेहेतु गोटे न्यू कलर आसुची इंटरमीडिएट कलर आसुची F1 जेनरेशन से तो एटा बिलीव कराइतरा इट इज ड्यू टू ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोथ ये रेड सहित व्हाइट मिसिबारु पिंक कलर आसुची किंतु परमुहूर्तरे एटा रॉन्ग हेतिला दैट इज नॉट ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस इट इज इनकंप्लीट डोमिनेंस it is due to incomplete dominance eta ketto kemti prove hela jeto amra F2 generations same bahar kole jeto ethru F2 generations bahala F2 generations ko generations re amko milthila kono one white color one red sorry one red two pink and one white that means हियर जदि ब्लेंडिंग हे जाइछि जदि मिसि जाइछि ताहाले हमको एई प्रकार डिफरेंट कलर मिल नथांदा पेरेंट्स रो गोटे इंडिविजुअली रेड मिल नथांदा किबा व्हाइट मिल नथांदा जदि से दुई जन ब्लेंड हे जाइछन जदि हमें ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को बिलीव करबा ताहाले केबे कि केबे हमको इंडिविजुअली ए दुईटा कलर सेपरेट कलर दुईटा मिलिबो नाही देन देखा गला F2 जेनरेशन रे वन रेड आ वन व्हाइट मिलला ता सहित दि
एटा पिंक मिलला एथरु एटा कंक्लूजन स्ट्रॉ करा गला कि तो वन एलेली ऑफ जीन कंटेन हाफ पिगमेंट ऑफ रेड अनदर एलेली कंटेन हाफ पिगमेंट ऑफ रेड सो व्हेन बोथ आर कंबाइंड जत दिजन जक रहउछंती देन हमें रेड कलर फ्लावर पाउचे बट इन F1 केस आज ओनली वन एलेली प्रेजेंट इन द जीनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन जेतु गोटे ही CR रहउची दैट्स व्हाई हाफ पिगमेंट ट्रांसफर हाफ पिगमेंट ट्रांसफर दैट्स व्हाई हाफ पिगमेंट मींस इट इज द लाइट कलर ऑफ द रेड कलर रेड रो जस्ट लाइट कलर दैट इज पिंक सति पे पिंक कलर आछी दैट मींस हियर द रेड कलर जीन नॉट कंप्लीटली सप्रेस द व्हाइट कलर को कंप्लीटली सप्रेस करि पारु नाही सो तार केवल पिंक कलर आछी जदि से कंप्लीट सप्रेस कर दे थांता ताले ठी रेड कलर आसी था जेहेतु से कंप्लीटली नो पार्शियली सप्रेस करुची सो तार लाइट कलर टी आसुची दैट वन इज पिंक सो इट्स ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस जदि कंप्लीट डोमिनेंस देखे थांदा ताले हमको रेड कलर आसतांदा जेहेतु इनकम्प्लीट मीन्स पार्शियली से सप्रेस करुची दैट्स ए पिंक कलर क्लियर इनकम्प्लीट डोमिनेंस विषय बुझी पारले आ तार जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रेशियो भी जानले 1:2:1 नेक्स्ट देखिबा हमें को डोमिनेंस नेक्स्ट वन is codominance here the expression of both it is also the definition of mendelism here the expression of ame sabu bele mind re rakhiba according to the mendel one gene contain two allele out of two allele one allele expressed one allele suppressed the allele which expressed called dominant which is suppressed called recessive but in codominance case here both alleles are expressed that's why codominance simultaneously both alleles are expressed in the codominance case to ame kon definition to ba codominance ro when both alleles of a gene express themselves simultaneously in a heterozygote then it is called codominance जते बे दुई जक एलेली गोटे एग्जांपल्स खाली जस्ट पेज बा गोटे जीन 1 गोटे एलेली कर दु गोटे जीन दे दवा जीन 1 तार दुई एलेली रहछि फॉर एग्जांपल ए एंड बी हियर बोथ ए एंड बी बोथ आर एक्सप्रेस्ड आ भीतर केहि भी सप्रेस हुवंती नै ना ए बी को सप्रेस कर पारे ना बी ए को सप्रेस कर पारे ए निजो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे बी भी निजो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे देन दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस दुई जन जाको निजो कैरेक्टर को साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस करबा को कोडोमिनेंस बेली कोआ जाय आरो हम एग्जांपल लबा द बेस्ट एंड गुड एग्जांपल इज एबी ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन और एबी ब्लड ग्रुप एग्जांपल इज एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन ओके ए बी ब्लड ग्रुप इन ही ह्यूमन करा जो ए बी ब्लड ग्रुप से रहउ छी दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस हाउ देखि दबा मदर एंड फादर नबा एम एफ इज द एम मदर फॉर एग्जांपल मदर का ब्लड ग्रुप ए दैट्स मे आई ए आई इज द जीन ऑफ ब्लड ग्रुप हम आप पर डिस्कस करबा मल्टीपल एलेली रे वेट जस्ट टिक के बुझे पे कहि दु सिठी आई ए टू एलेलीस A is the allele, I is the gene, A is the allele. Similarly, father, करो जब हमें blood group B देखी बार, then IB and IB. समान करो जब हमें F1 offspring बार करी बार, ताले हमें IA को IB से तो combine करी बार, ताले हमारा सच्चे IA and IB, then IA को then IB से इतने IA IB same, IA IB and same IA IB. Here both alleles are expressed IA and IB. This is AB blood group. This is AB blood group. AB blood group. AB blood group. AB blood group and AB blood group. Here both alleles
means allele of mother and allele of father. Both alleles are expressed. That's why it's called AB blood group. Here only A blood group expressed. That's why A allele expressed. That's why A blood group. Here B allele expressed. That's why B blood group. But in this case, both A and B, both are allele expressed simultaneously. It is a heterozygous condition. This is a homozygous condition. Homo means here alleles are same. Here alleles are same. This is a homozygous condition. It is a homozygous condition, but it is a heterozygous condition. I am saying so like this. When both alleles of a gene express themselves simultaneously in a heterozygous condition, this is a heterozygous condition. Both alleles are different. IA, IB, that's a different. It is a different allele. Both are different allele. Different allele is combined. This is heterozygous. The same allele on this is homozygous. Okay. So, heterozygous condition, both allele, both allele simultaneously, same time, express. So, it is the example of codominance.